स्वामी जी। ओम करो आप लोग, वक्रासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो जी। मुझे 20 से 25 साल से एथराइटिस है, रूमेटॉइड एथराइटिस। क्या नाम है? संगीता। संगीता हाँ यही थी, पिछली बार तुम ही आई थी ना व्हील चेयर। हाँ जी हाँ जी, व्हील चेयर पर आई थी। दो बारी व्हील चेयर पर आई हूँ, अभी अभी व्हील चेयर रखी है लेकिन उस पर बैठी नहीं अभी, तो ऐसे घूम रही हूँ प्रॉपरली। तुम तो ऊपर ही आ जाओ, ये माइक लेकर के आओ। अभी चल कर के आ रही है थोड़ा, अभी थोड़ी टुकुर टुकुर चल रही है, थोड़ी सी हिलती लुलती लेकिन अब इसको जैसे बच्चे चलते हैं ना, अब इसको चलने का शौक आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक बेड रिडन थी, व्हील चेयर पर थी, अब इसको लगता है मैं चलूँ। तो बोले स्वामी जी मैं पूरे योग ग्राम में चलती फिरती हूँ। अब दो बार व्हील चेयर पर आई है, अब ये तीसरी बार इसकी व्हील चेयर छूटी है। अब दर्द होना अलग बात है, दर्द अंदर से तुम्हारे स्केलेटन सिस्टम को, पूरे अस्थि संस्थान, पूरे अस्थि तंत्र को, स्केलेटन पूरी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को, सबको अंदर से रोंद देता है, ध्वस्त कर देता है। तो आप वक्रासन करो, अर्धमत्स्येन्द्रासन करो या गोमुखासन करो, उसमें फिर कपालभाति करो, फिर उसका ज्यादा लाभ होगा। तो संगीता का जीवन संगीत अब थोड़ा ठीक से सुर बजने लगे। अब ये इसके ये हाथ देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े, अभी बहुत सीधे हो गए, पहले से यहाँ से आके बहुत सीधे हो गए। मैंने तो ऑपरेट करवाना था हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट बोल दिया, तो नी तो रिप्लेसमेंट करा लेगी, इसको कैसे बदलेगी? बिल्कुल, तो इसीलिए फिर मैंने करवाया नहीं। मैंने 21 अप्रैल की अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो मैं यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पे बहुत घुटने मेरे सीधे हो गए विदाउट ऑपरेशन, घुटने भी सीधे हो गए। और सिंगी भी लगवा ली? बिल्कुल, सिंगी कल लगवाई, एक पहले लगवाई थी। तो अभी हाथ मेरा ये ऐसे था, काफ़ी सीधा हुआ है, बहुत ज़्यादा पहले से। अभी घर वालों ने स्पेशल भेजा कि जा वहाँ पे ठीक करवा के, इलाज करवा के अपना पूरा। अब ये हाथ इतने टेढ़े मेढ़े, हाँ छोटी सी उम्र है इसकी, कितनी उम्र है बेटा? 33 है मेरी। और वो ये अर्थराइटिस कब शुरू हो गया? ऑलमोस्ट 19-20 साल हो गए हैं। 19 है? हाँ जी 19-20 साल हो गए, मेरे 14-15 साल में हो गया था। 14-15 साल में अर्थराइटिस। तो वैसे अब ये अब एक बात इसको मैं इसको हाँ क्या करें, वैसे ऑपरेट के साथ ठीक होने से विदाउट ऑपरेट सीधे हो रहे हैं अभी यहाँ पे आके मेरे ज्वाइंट, घुटने मेरे काफ़ी सीधे हो गए पहले से, बहुत ज़्यादा। घुटने सीधे हो गए, हाथ भी काफ़ी सीधे हो गए, और हाथ के लिए अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, अर्थराइटिस जितने दिन ज़्यादा टिकेगा अंदर, मैंने कल एक शब्द बोला था जाते समय 7:30 बजे, बीमारियों को जितने दिन अंदर पनाह दोगे उतनी बेपनाह बढ़ती रहेगी। अंदर रुका अर्थराइटिस, उसने टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर। अब ये लगातार बेटा ऐसे करना संगीता, इसको ये ऐसे एक 1000 बार करना है तेरे को, कितनी बार? 1000 बार। इसको मैंने नाम दिया शत सहस्र साधना, और गूगल के साथ हवन के साथ करना, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मैं जहाँ जब से यहाँ पे आई हूँ बहुत ज्यादा फर्क है, ये मैं 3 बार ही आ गई हूँ, मुझे इतना फर्क। ये हवन के साथ करना, अब ये जो गूगल है ये औषधि है आर्थराइटिस की, जिस औषधि को खाते हैं उसी औषधि से हवन करते हैं, उसी औषधि से बस्ती देते हैं, उसी औषधि से अभ्यंग करते हैं, उसी औषधि को एक्सट्रैक्ट निकाल के भी पीते हैं, रस भी पीते हैं, चूर्ण भी खाते हैं, एक औषधि के 10 तरह से प्रयोग किया जाता है। अब ये नैनो मेडिकेशन हो गई, गूगल खाएंगे तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है शरीर में, ये तो डालते ही नैनो मेडिकेशन हो जाता है। तो पूरी दुनिया में नैनो मेडिकेशन की बात हो रही है, और नैनो मेडिकेशन हमारे ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष पहले खोज ली थी, उसका नाम हवन है। अब कर लो, ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण संगीता का दिया, अब ये इसको 2 महीने बेटा अब सारे काम छोड़ दे, 2-2 घंटा कपाल भाती और पूरे दिन भर अनुलोम विलोम हवन के साथ करना, प्राणिष्ठी के साथ, और उसमें गूगल डाल लेना। और ये पूरी संगीता की ये पूरी हड्डियां ऐसे मैंने बहुतों बेटियों की बहनों की ठीक की है, ये पूरे हाथ इसके
अधिकतम 9 महीने के अंदर पूरे हाथ सीधे हो जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ये कोई ढोंगा डबर पाखंड अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है, योग और यज्ञ विज्ञान, योग थेरापी यज्ञ थेरापी। अब जा बेटा और उधर से महात्मा जी को देना गूगल। और ये तेरे को एक गूगल ही प्रसाद में दे रहा हूं कि इसको डालो और इसकी सुगंध लेते रहो।